आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस दौरान लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए तमाम बदलावों के बारे में भी अपनी बातचीत में जानकारी दी है। आइए देखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्र के शिल्पग्राम परिसर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा विकसित भारत के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संबोधन भी लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश किया कि देश की इकोनॉमी बढ़े जाए और इकोनॉमी आज उनका लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या भारत की जो हो और तीसरे नंबर पर विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा जो भारत है वो विकसित भारत जो बने जाए। इसी श्रृंखला में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी निरंतर ये काम कर रहे हैं। आगरा के अंदर शिल्पग्राम में भी ये कैंप जो लगा है, बहुत सारे यहाँ पर ये लोग लाभार्थी आ रहे हैं और उनके जो है ये लाभार्थी के कार्ड भी बन रहे हैं। वहीं विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी खाना बनाने में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, सिलेंडर फ्री मिला उज्ज्वला, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। अच्छे से खाना पीना अच्छे से बनाते हैं, खाते हैं, नाकों से आंसू आते हैं, अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसमें भविष्य में कभी कोई बीमारी होती है अगर तो उसका इलाज किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, खुद अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने